नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उधमपुर भाजपा सिटी मंडल द्वारा जागृति वृद्धाश्रम में बच्चों को पुस्तकें बांटकर जन्मदिवस मनाया गया। मेरा नाम विवेक गुप्ता, भाजपा अध्यक्ष उधमपुर। जैसे कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष पर सेवा ही संगठन जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम एक पखवाड़े के लिए चल रहा है, उसी को देखते हुए आज हमने विभिन्न वैक्सीन सेंटरों पर जाकर पहले लोगों को वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित किया और जो अमृत रूपी वैक्सीन जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तैयार की है इस कोरोना से लड़ने के लिए, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। और इसके साथ साथ जो हमारे छोटे भाई अनुज हमारे जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनको जो अपनी यथाशक्ति अपने साथियों की मदद से एक तुच्छ मात्र भेंट हमने अपने केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के आह्वान पर आज इधर आकर हमने अपने साथियों के साथ वितरित की। भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर द्वारा जिला में नेशनल लेबर डे मनाया गया। इस मौके पर संघ की नई इकाई का गठन किया गया। उनको सिर्फ डेली वेजर ही रख दिया, उनका पीएम का काम बंद कर दिया। अदरवाइज अगर 7,000 रुपये उनकी मिनिमम वेज है तो उनका 850 रुपये महीने का पीएम का शेयर बनता है, जो सरकार ने देना है इतना ही हमने देना है, और वो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर चलेगा। ऐसे ही हमारे जो आंगनबाड़ी है, हमारे जो बोलते हैं आपकी तो कोई मानदंड देते हैं आपकी ना रिटायरमेंट एज है ना कुछ और है, जब तक फिजिकली फिट हो। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि घर भेजने की तैयारी करनी है, तो हमने 30-30, 40-40 साल लगाए हैं, तो हमारा ग्रेजुएटी तो बनती है ना, वो भी लेनी है हमने। जो डेली वेजर है उनकी भी ग्रेजुएटी बनती है, कईयों को अगर रिटायर ही कर दें तो ये सारी चीज़ों का हमारा राइट बनता है। तो एमपी वाला उनको अपनी कमीशन ले यहाँ उधमपुर के अंदर टाउन हॉल के अंदर भारतीय मजदूर संघ जिला उधमपुर का ये जिले की रचना हो रही है और यहाँ हम आज नई बॉडी की अनाउंसमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि आज जो राष्ट्रीय श्रम दिवस है, भारतीय मजदूर संघ देश भर में राष्ट्रीय श्रम दिवस बाबा विश्वकर्मा जी का जन्मदिन है और श्रम दिवस राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है इसकी छुट्टी की भी मांग करता है कि जो मई डे लोग मनाते हैं ये अपना कल्चर नहीं है। भारतीय संस्कृति के मुताबिक बाबा विश्वकर्मा जी हैं वो हमारे देवता हैं और इनका आज के दिन अवकाश होना चाहिए और भारतीय मजदूर संघ आज प्रदेश भर में देश भर में भी आज ये मना रहा है राष्ट्रीय श्रम दिवस। इसके साथ साथ जो बाकी का आज का कार्यक्रम है जो हमारी जिला कमेटी यहाँ अनाउंस होगी, उसके साथ ही आज यहाँ कुछ हम रेजुलेशन लेंगे और आने वाले दिनों में जिला उधमपुर के अंदर जो हमारी समस्याएं हैं उसको लेकर हम उसमें मेमोरेंडम भी देंगे और उसके साथ साथ एजिटेशन की ओर भी हम जाएंगे। इसमें समस्याएं जो हैं वो आंगनबाड़ी वर्कर्स की हैं, आशा वर्कर्स की हैं और उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो काम करते हैं उसकी है, डेली वेजर्स हैं जो आज तक पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड कोई उनको परमानेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर पूरे देश के अंदर जो काम कर रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 60,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम करती हैं और सबसे कम वेतन जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम वेतन जो उनको मानदेय मिलता है वो जम्मू कश्मीर में मिलता है। और हम आज सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो समस्याएँ हमारी आ रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है उसकी रजिस्ट्रेशन का सवाल है, जो अपनी आशा वर्कर है उसका तनख्वाह का मसला है,
जो आंगनबाड़ी वर्कर है उसकी पेंडिंग सैलरी का मसला है, जो डेली वेजर्स हैं उसकी पेंडिंग सैलरी का मसला और परमानेंट का मसला है। ये सारी चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी आज बन रही है वो रेजोल्यूशन लेकर सरकार की ओर से सरकार को हम देंगे, और आने वाले दिनों में अगर सरकार के साथ मीटिंग करके हमारे साथ बातचीत करके उस समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे और जिला उधमपुर उसमें प्रमुख रोल अदा करेगा। जखैनी चौक स्थित बाबा राजा मंडलिक मंदिर में स्थानीय निवासियों द्वारा एक बैठक की गई जिसमें जखैनी के पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह व समाज सेवक स्वर्ण सिंह राठौर व कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी व जिला प्रशासन से मांग की कि जखैनी चौक का नाम बदलकर बाबा राजा मंडलिक चौक रख दिया जाए व इस चौक का विकास भी किया जाए। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं एक्सिस बैंक जखैनी का। ये राजा मंडलिक जो है ये आज के नहीं कई सदियों के यहाँ पे इनकी स्थापना हुई थी और ये आप शंभू हैं यहाँ पे, ये जो राय मंडी है यहाँ पे आप शंभू हैं ये, और ये जो हमारी गांव के लोग हैं तीन चार गांव के लोग हैं ये संस्था हमारे साथ इनके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये राय मंडी जो है ये इनका बोर्ड यहाँ पे लगे जाए ताकि लोगों को ये पता लगे कि ये राय मंडी की जगह है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर हर साल यात्रा होती है और यात्रा में कई लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पे वो उनका रोल होता है, यहाँ पे बड़ा रोल होता है, कईयों को चौकी भी आती है। तो ये जो रायमली के हैं ये एक आज के नहीं है, काफ़ी देर के हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बोर्ड इनका लगा जाए। थैंक यू। मांग जायज़ है, हमारे जो बुज़ुर्ग थे सदियों से ये परंपरा आ रही है राजा मंडलिक जी की, हम भी यही चाहते हैं। हमारे साथ में जो पंचायतें लगती हैं कोडली वाला, मांगलियाँ पखलाई, ओसू कैरा, आज के नहीं है काफ़ी देर के हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बोर्ड इनका लगा जाए। थैंक यू। मांग जायज़ है, हमारे जो बुज़ुर्ग थे सदियों से ये परंपरा आ रही है राजा मंडलिक जी की, हम भी यही चाहते हैं। हमारे साथ में जो पंचायतें लगती हैं कोडली वाला, मांगलियाँ पखलाई, ओसू कैरा, अपर थनुआ, जो चरी की पंचायत है, जहाँ का जो एक नंबर वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं जिनकी जगहों पर ये बना है, ये भी चाहते हैं ये हमारा जो जखैनी वाला ये चौक है ये इन्हीं के नाम पे होना चाहिए, राजा मंडलिक चौक के नाम पे होना चाहिए। आज इसी विषय में हम अपनी तरफ से एक मोमेंटो डीसी साहब को भी दिया जाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी दिया जाएगा, और हमारे सारे लोगों की यही मांग है कि ये राजा मंडलिक जी के नाम पे ही होना चाहिए। पैंथर्स पार्टी के उप जिला प्रधान तिरेंद्र सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा का आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं वह महज सिर्फ दिखावा है, लोग बेरोजगारी व महंगाई से जूझ रहे हैं और भाजपा हम लोगों के सामने दिखावा कर रही है। अजय का जो मुद्दा है वह तो रिलेटिड है कि पहले तुसें देखा जेड़ा कि पहले बैक टू विलेज चलिया हा, बैक टू विलेज के तहत साढ़े लोगों की खासकर ग्रामीण खेत्रों की किन्ना मतलब किन्ना फायदा होया, किन्ना प्रॉफिट होया, किन्ना विकास होया तुसें सारे लोगों दिखाया है। हूँ जेड़ा ये दोबारा हूँ मंत्री साढ़े दिल्ली का है आउटरीच प्रोग्राम जेड़े चला करते हैं इंदे, मैं ये आखना कि जेड़े करोड़ों रुपये खर्चा जेड़ा मंत्रियों का आना जेड़े इन्हें इतने विजिट करा करते साढ़े डिस्ट्रिक्ट जिले तहसीलें की करोड़ों रुपये खर्चा आवा करता है। अगर इंदे गै साढ़े जिला उधमपुर च DDC बने दे, BDC बने दे, इस भारतीय जनता पार्टी के गै बने दे, अगर जेड़ा करोड़ों रुपये खर्चा जेड़ा अगर इन्हें जेड़ा मंत्रियों पर खर्चना हा, अगर इ पैसा डायरेक्ट जनता की दिता जाता हा, डायरेक्ट अपने नुमाइंदे की दिता जाता हा, उनके माध्यम करने अगर पंचायतें च लगता हा या जिले च लगता, वो पंचायतें ही लगता, वार्डे च लगता, मैं आखदा कि ज़्यादा नहीं पर 40-45% धोड़ी जी लोगों की मुश्किलात आवा कर डिवेलपमेंट दियाँ उन्हें की खत्म की अगर खत्म किया जा सकता हा, लेकिन जनता के प्रति जेड़ा इन लोगों की सोच है जेड़ा इनका रवैया है वो सामने सामने क्लियर लभा करता है। कल भी महंगाई पर कुसै भी कोई जवाब इन्हें मंत्री नहीं दिया करते हैं, तो साइकिलिंग का इन्हें मैं कल अज अखबार पढ़ा करता दैनिक जागरण वो इन्हें दिते दा कि भाई साइकिल चलाओ सारे जने कि होता कि साड़ा वातावरण भी नीट एंड क्लीन रहना। मैं मंत्रियों की पूछना चाहना ना ये दिल्ली है ना ये मुंबई है, ये जिला उधमपुर है, ये प्हाड़ी एरिया सारे प्हाड़ी खेत्र ने सारे, वो भाई मिकी दसो ये साइकिल असं मुंडे पर लेइए प्हाड़े पर जा घर पियाग या साइकिल अस लेइए जागे, मैं साइकिल असें घर पियाना या असें साइकिल की घर पियाना, इतने गड्डिया भी पहले दुए गेरे चलदी इन्नी चढ़ाई है तो साइकिल चलाइए पुजे क्या। अगर जेडे बेतुके भाषण दिया करते हैं
मैं ये आखना कि ये कोला बेहतर हा अगर ये पेट्रोल की कीमत घट करते हे, महंगाई की जी तेल की कीमत घट करते, आटे की कीमत घट करते, जी आसमान छूआ करती है महंगाई, वो पर कोई भी बयान कुछ मंत्री का नहीं आया। यदि अस कड़े शब्द कन्ने निंदा करने कि मंत्री ने कुछ भी मंत्री ने महंगाई उपर कोई भी भ्रष्टाचार उपर कोई भी एक भी बयान नहीं दिता। ये सामने सामने जोड़ा एक प्री प्लैन है ये तुम तो दिखा करते हो। मैं रविंद्र रैना उनका बयान भी सुना करता कि उन्हें आख्या कि इलेक्शन के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार रहें, इसका मतलब है कि इलेक्शन आने वाली है और तभी ये इनके आउटरीच प्रोग्राम शुरू हुए। और उधमपुर की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जो समझ नहीं पाएगी। 7 सालों में हमने देखा हमारे साथ क्या हुआ, हमारा मध्यम वर्ग देख लो, 2 साल से ज़्यादा का कोरोना काल का समय है, जो 2 साल में क्या हुआ हमारी जनता के साथ। दुकानदारों को देखो, उनकी फीडबैक लो, ट्रांसपोर्टरों की फीडबैक लो। इनके ही मंत्रियों ने कहा था कि कोरोना काल में किसी भी ट्रांसपोर्टर को कोई बैंक कर्मचारी परेशान नहीं करेगा, इनको कोई नोटिस किसी तरीके का नहीं भेजेगा, चाहे किस्तें ड्यू है या उनको जो है इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उनको किस्तें भी देनी पड़ी गाड़ी जो बंद के दौरान की, इंटरेस्ट भी देना पड़ा बंद के दौरान का। और दुकानदार हमारे के कितने दुकानदार हैं, मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा दुकानदार हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, उनको उनकी दुकानें बंद थी, वो क्या अपने मुलाजमों को पे कैसे देते, बैंक बल्कि बैंक की किस्तें कैसे देते, फिर उनका इंटरेस्ट कैसे देते, मुझे ये बताए कि केंद्रीय सरकार और भाजपा की जो बीजेपी की जो जम्मू की इनके प्रधान हैं रविंदर रैना जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए। आप लोग तो शाहूकार होंगे, आपके पास तो पैसा है, लेकिन जो हमारे दुकानदार हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, मध्यम वर्ग है, आज देख लीजिए आप, आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, मंत्री दिखे दिल्ली से मंत्री आ रहे हैं, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट ने भी अपनी मुहिम तेज कर रखी है, जिसका भी कोई 1,000, 2,000, 3,000 रुपया बिल होता है उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। मुझे ये बताओ, लोगों को अगर रिलीफ दिया होता, लोगों को कोई पैकेज दिया होता, उसके बाद अगर लोग अगर बिल जमा नहीं करवाते, बिजली पानी के बिल जमा नहीं करवाते, स्कूल की फीसें नहीं देते, तो फिर मैं कहता कि कार्रवाई होती तो वो जायज़ ठहराई जाती। लेकिन जनता पूरे तरीके से घरों में बंद रही, घरों में बंद रहने के बावजूद लोगों पर जो जिसे कहते हैं महंगाई पे महंगाई थोपी जा रही है, लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। और आप बताते हैं साइकिल चलाओ, अरे भाई साइकिल ही चलाना जिस तरीके की महंगाई हो रही है, अपने अपने स्कूटर और गाड़ियां तो हम लोग तो मैंने तो बेच दी कुआड़ियों को, आगे मैं किसी की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि हमारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, किसी तरीके का रोजगार लोगों को नजर नहीं आ रहा। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में जब से ये भाजपा सत्ता में आई है, कितने लोगों कितने नौजवानों को रोजगार मिला, हमारी बहनें सड़कों पर धरने पर बैठी रही, उन पर लाठीचार्ज होता रहा, कोई भी संज्ञान लेने वाला भाजपा का मंत्री नहीं रहा। अभी थोड़े दिन पहले जो हमारे नौजवान जम्मू बीजेपी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे रहे, उसका क्या हल निकला, कोई हल नहीं निकला। और इसीलिए हम अपने पैंथर्स पार्टी के वोटर सपोर्टर और जनता से अपील करना चाहते हैं कि अभी अगर विधानसभा चुनाव आते हैं तो ये पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हरीश देव जी और पार्टी सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा जम्मू कश्मीर में। और हम लोगों को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है, जिस तरीके से इन लोगों ने हम पर महंगाई थोपी है और हम पर जो हमारे जिले में जिस तरीके का भ्रष्टाचार जम्मू में बढ़ा है, अगर हमें इस चीज़ों से निजात चाहिए तो हम लोगों को अब एकमुट और एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सुनने वाला जम्मू कश्मीर में सिवाय पैंथर्स पार्टी के कोई नहीं। कोरोना काल में अगर पैंथर्स पार्टी ही है जो जनता की आवाज़ बनके उधमपुर और जम्मू में उभरी, इसीलिए मैं अपने वोटरों को और सपोर्टरों को ये कहना चाहता हूँ, अपने पैंथर के नेताओं को, अभी कमर कस ले, ऐसा ना हो कि DDC की तरह विधानसभा की इलेक्शन में भी टिड्डियाँ कहीं फसल ना खा जाएं। इस फसल की रक्षा और सुरक्षा हमारे समाज के जिम्मे है, और अब समाज को अंतिम मौका है, जो विधानसभा का बाकी सारी इलेक्शन हो चुकी हैं, अगर ये इलेक्शन में अगर आप जम्मू की आवाज़ को विधानसभा में पहुंचाते हो तो हम आपसे वादा करते हैं जो बिजली का जो बिल है इनको माफ़ करवाने की कोशिश करेंगे, पानी के बिल माफ़ करवाने की कोशिश करेंगे, दुकानदारों ट्रांसपोर्टरों को रिलैक्सेशन दिलवाने की कोशिश करेंगे, इनके जितने भी हैं बैंक केसेस हैं, जो भी लोन लिए हैं, इनमें भी कई हद तक राहत इनको दिलवाएंगे। अगर हमारी पार्टी की अगर जम्मू विधानसभा में सरकार में भूमिका होगी तो ये तय है, क्योंकि हर्षदेव जी 3 साल रहे थे तो सबको पता है कि आज कितने नौजवान जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनके दौरान भी आपने देखा कितने नौजवान बेरोजगार हुए हैं और नौजवानों को रास्ता दिखाया
बताया गया कि पकोड़े और चाय बेचो, अगर यही सरकार चाहिए पकोड़े और चाय वाली तो ये आप लोगों के हाथ में है। अगर आपको कलम पड़काने वाली सरकार चाहिए, जैसे हरीश देव जी मंत्री बने थे, उन्होंने हर नौजवान को कलम पड़काई थी और उसे टीचर बनाया था, उसे कहते थे कि पढ़ा लिखा नौजवान मंत्री बना है जिसने सबको शिक्षक बनाया, लेकिन इनके मंत्री और इनके केंद्रीय मंत्री लोगों को कहते हैं कि पकोड़े बेचो, नौजवान पकोड़े से बहुत अच्छा जो अपना रोजगार चला सकते हैं। इससे ज्यादा उदाहरण मैं अपनी जिला उधमपुर की जनता को क्या दूंगा। मैं अंतिम में यही कहूंगा, कमर कस लें बुराई के खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं कहता, मैं कहता हूँ बुराई भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ कमर कस लें। अगर इस बार अगर आपने मौका अगर खुंजा दिया तो ये मैं कहते हैं कड़ियां कुंजा करो फर्क पौधा, इसका लेते ध्यान रखियो। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।